गुड मॉर्निंग क्लास, मैं डॉक्टर केतन मेंदप्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का लेक्चर नंबर 2। ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम देख रहे हैं लास्ट की स्लाइड, कौन सी, लेक्चर नंबर 1 की। तो हमने देखा था प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड, मतलब जो वनस्पतियां है वो हमारे खुराक की क्या है, स्रोत है। तो ये कैसे स्रोत है वो देखना है। तो प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड, मतलब जो वनस्पतियां है वो अपना खुराक तो कैसे बनाती है, खुद बना लेती है। कौन सी क्रिया के द्वारा बनाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और उसमें उसको कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है, तो वनस्पति को जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल, मतलब जो रंजक द्रव्य है उसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और किस चीज की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजों का उपयोग करके वनस्पति अपना खुराक खुद बना लेती है। क्लियर है? अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा फूड, मतलब जो ज्यादा फूड बन गया किसके द्वारा, वनस्पति के द्वारा। तो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब कि जो ज्यादा खुराक बना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उसका संग्रह कहां पर होगा, जो वनस्पति है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होगा। कहां पर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होता है। दो वर्ड्स याद रखने हैं, एडिबल पार्ट एंड नॉन एडिबल पार्ट। आपको नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि एडिबल पार्ट्स क्या है, जो खाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, मतलब खाद्य भाग, वनस्पति के खाद्य भाग को बोलते हैं एडिबल पार्ट्स। हम कई वनस्पति है उसके लीफ को भी खाते हैं, मतलब जो उसके पर्ण होते हैं उसको भी खाते हैं, फिर होता है फ्रूट्स को भी हम खाते हैं, कई वनस्पति के जो रूट्स होते हैं उसको भी हम खाते हैं, और कई वनस्पति के स्टेम को भी हम खाने के रूप में लेते हैं। पर वनस्पति में ऐसा नहीं है कि सारे भाग खाद्य ही है, कई भाग ऐसे हैं कि जिसको हम खाने के रूप में उपयोग में ले सकते नहीं है। तो जिस पार्ट्स को हम नहीं खा सकते उसको बोलते हैं नॉन एडिबल पार्ट्स। सिंपल सी डेफिनेशन, एडिबल पार्ट ईटन बाय ह्यूमन, नॉन एडिबल पार्ट नॉट ईटन बाय ह्यूमन। क्लियर? और लास्ट में हमने देखा था स्पारूट के बारे में कि स्पारूट किसको बोलते हैं, जो हमारे पल्सेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं, भिगो देते हैं पानी में, फिर उसको कॉटन के कपड़े में बांध के पूरी रात ओवरनाइट क्या करते हैं, हम रखते हैं ऐसे ही। तो उसके बाद जब हम सुबह देखते हैं तो क्या होता है, जो हमने पल्सेस जो पोटली में बांधे थे वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और उसमें से क्या निकलता है, फणगा बोलते हैं। क्लियर? तो प्लांट के जो पार्ट्स है वो देखने हैं। तो आप सबको पता है कि पार्ट्स में कितने प्लांट्स होते हैं, तो हर कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि वनस्पति के पार्ट्स में क्या होता है। तो हम बाहर से हम देखते हैं, तो बाहर से हमें वनस्पति को देखने से क्या दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि भाई उसमें पर्ण भी है, पुष्प भी है, फिर क्या है, फल है, प्रकांड है, मूल है। हाँ, मूल ऐसा नहीं है कि मूल आपको जमीन के बाहर दिखाई देगा, पर मूल कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। तो देखो प्लांट्स कितने हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। तो आप दो चीज याद रखना, एक जो जमीन के अंदर है उसको बोलेंगे हम रूट सिस्टम, और ऊपर है उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम। शूट मतलब प्रकांड तंत्र, और ये सॉरी रूट सिस्टम मतलब मूल तंत्र। ऐसा नहीं है कि मूल तंत्र हर वनस्पति में जमीन के अंदर ही रहेगा, कई वनस्पति में उपहवाई प्रकार का भी आपको क्या देखने को मिलेगा, शूट सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जो मूल होता है उसका कार्य क्या होता है, वनस्पति को आधार देना। दूसरा कार्य क्या है, तो मूल होती है वो अपने ये जो सेकेंडरी रूट्स है उसके द्वारा जमीन से पानी और क्षार का क्या करता है, अभिशोषण एब्जॉर्प्शन करता है। और ये मूल तंत्र द्वारा जो सारा पानी और क्षार है वो सारी वनस्पति को मिलता है। क्लियर? तो आगे हम देखेंगे कि कैसे ये
पानी का बहाव होता है पूरी वनस्पति में, वो भी हमें देखना है। तो सिंपली अभी हमें आपको हमें क्या याद रखना है, पार्ट्स के बारे में याद रखना है। तो रूट सिस्टम में रूट्स आते हैं, रूट्स जो मेन रूट है उसको प्राइमरी रूट बोलेंगे, उसमें से जो शाखाएं निकलती है उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट। क्लियर? तो रूट का कार्य एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एंड अदर वर्क क्या है, वनस्पति को सपोर्ट देना। तो अभी हम आते हैं स्टेम में। तो स्टेम सिस्टम, स्टेम सिस्टम मतलब प्रकांड तंत्र जो हमें दिखता है वो। स्टेम का कार्य क्या है, उसका भी कार्य है सपोर्ट द प्लांट्स पार्ट्स, मतलब जो उसकी ब्रांचेस निकलती है, क्योंकि ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, स्टेम में निकल स्टेम से निकलती है। फिर फल को आधार देना या फिर फ्रूट्स को आधार देना, तो वो कार्य किसका है, स्टेम का है। क्लियर? फिर आता है फ्रूट्स। तो फ्रूट का काम क्या है, तो हम देखते हैं कि फ्रूट के अंदर क्या आता है, सीड्स आते हैं, बीज आते हैं। तो फ्रूट्स क्या करता है, बीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है या प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा काम क्या है फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स जो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर होता है वनस्पति के द्वारा, उसको भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये हो गया फ्रूट का कार्य। फिर हो गया लीफ। लीफ का कार्य हर बच्चे को आना चाहिए। लीफ का कार्य है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और यही क्रिया की वजह से वनस्पति अपना खुराक खुद बना लेती है। क्या करती है, खुद बना लेती है। उस ये प्रक्रिया परफॉर्म करने के लिए पर्ण के अंदर क्या आते हैं, तो क्लोरोफिल आते हैं, रंजक द्रव्य पिगमेंट बोलते हैं, क्लोरोफिल आते हैं, और उसी की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके वनस्पति अपना खुराक खुद बना देती है। क्लियर? फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम देखेंगे आगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें हम फ्लावर के बारे में भी देखेंगे कि फ्लावर में मेल फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर होता है। क्लियर? तो ये दोनों की वजह से जो मेल फ्लावर है वो मेल गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, और फीमेल फ्लावर है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गेमेट्स। और फिर ये दोनों का क्या होता है, मिलन होता है, और मिलन होने से जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट में से ही नए प्लांट्स की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये है पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब देखते हैं एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, तो एनिमल हमें क्या देते हैं, तो पहले तो ये बात याद रखो कि जो वनस्पति अपना खुराक खुद बना देती है, उसी लिए उसी के लिए उसको हमने बोला था प्रोड्यूसर। पर एनिमल है वो अपना खुराक खुद नहीं बनाती है, तो एनिमल को हम बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, उपभोगी। तो एनिमल कैसे सोर्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात, सुबह उठते हैं हम चाय पीते हैं, चाय में क्या डलता है, मिल्क। तो मिल्क, मिल्क मिलता है हमें एनिमल से ही, हम क्या निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं। तो उसमें क्या है, काउ मिल्क है, बफेलो मिल्क है। क्लियर? मेनली, बट आप कई पार्ट्स अदर, मतलब इंडिया में कई पार्ट्स में जाओगे, अदर अदर स्टेट्स में, तो वहाँ पर आपको कैमल का, राजस्थान में गोट मिल्क और शिप मिल्क, जहीं पहाड़ी रीजन में जाओगे तो आपको गोट एंड शिप मिल्क का भी पब्लिक यूज़ करती दिखाई दी जाती है। तो हमारे यहाँ पर मोस्टली कौन सा यूज होता है, काउ और बफेलो मिल्क, उसके अलावा कैमल मिल्क भी यूज करते हैं कई लोग, गोट का, बकरी का मिल्क भी यूज करते हैं, और शीप मतलब घेंटे का मिल्क का भी उपयोग करते हैं। क्लियर? और ये एनिमल जो हमें दूध देते हैं उसको कैसे बोलते हैं, मिल्च एनिमल, अथवा गुजराती भाषा में बोले तो दुधालु प्राणी। क्लियर? तो ये तो हो गया मिल्क। अब डेयरी प्रोडक्ट, जो सारी प्रोडक्ट किससे किसमें से बनती है, दूध में से बनती है, तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, तो हमें सबको पता है पिज़्ज़ा में डालते हैं वो चीज़, बटर, घी, क्रीम, कर्ड, दही और मट्ठा या छाछ भी बोल सकते हैं। तो चीज़ भी हम दूध से बनाते हैं, क्रीम, बटर, घी, कर्ड, मट्ठा भी बोलो, तो वो भी कहाँ से बनता है, तो दूध में से बनता है। क्लियर? और ये दूध कहाँ से हमें मिलता है, तो एनिमल से मिलता है। दूध कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो देखो यहाँ पर ये इमेज में सारी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। फिर देखते हैं कि और क्या हम लेते हैं एनिमल से, तो एग। कई सारे लोग में से कई
आप में से भी बच्चे, कई लोग एग खाते हैं कई नहीं खाते, यदि आप खाते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, एग इज अ गुड सोर्स ऑफ फूड। एग जो आप सिटी में घूमते हो तो कई लोग लारी में या शॉप पे एग खाते हैं, तो वो कौन सा एग है? हैन मैग है, मुर्गी के अंडे है, ठीक है। तो वो प्रोटीन का क्या है? उत्तम स्रोत है। तो एग भी हम कहाँ से लेते हैं? एनिमल से लेते हैं, मीट, चिकन, गोट, पिग एंड फिश, मतलब ये मीट सारा जो मांस बोलते हैं। तो किस एनिमल का खाते हैं? तो मुर्गी का खाते हैं, बकरे का, सुअर का, या मत्स्य, मछली, तो वहाँ से हम लेते हैं। यदि आप मछली को यहाँ से उठा के सी फूड में डाल दोगे तो भी चलेगा। सी फूड दरियाई जो खुराक, कहाँ कौन कौन से जीव का यूज़ करते हैं हम? झींगे, प्रॉन, स्नेल, क्रैब्स एंड श्रिम्प। प्रॉन, स्नेल, क्रैब्स एंड श्रिम्प, उसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ऑयल फ्रॉम फिश लाइक, कौन सी फिश है? सालमन, ट्यूना, सार्डियंस। सालमोन, ट्यूना, सार्डियनेस, सार्डीनेस, क्लियर। जो कॉड लीवर ऑयल, वो हम कहाँ से लेते हैं? फिश में से लेते हैं। तो ये एनिमल है वो हमें ऑयल भी देते हैं। क्या देते हैं? ऑयल। और लास्ट में है हनी। हनी हम कहाँ से मिलता है? तो जो हनी बीज है, क्या कौन? हनी बीज। वो हनी बीज पुष्प में से हनी कलेक्ट करके उसको स्टोर कहाँ करते हैं? बीहाइव्स। बीहाइव्स मतलब हमारी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बोले तो जो मधपुड़ा बोलते हैं, क्या मधपुड़ा? पेड़ में आपको दिख जाएगा मधपुड़ा, जो जिसमें बहुत सारी क्या होते हैं, मधुमक्खी रहती है। तो ये मधुमक्खी या क्या करती है, जो ये हनी है उसको कहाँ स्टोर करती है? जो मधपुड़ा या बी हाइव्स, जो मधुमक्खी का घर होता है उसके अंदर क्या करती है? स्टोर करती है। तो हमने देखा कि एनिमल कैसे हमारे खुराक के स्रोत है। तो पहला तो एनिमल से हम लेते हैं दूध, और दूध से बनती है दूध की प्रोडक्ट। बाद में आए अंडे, बाद में आया मीट मतलब मांस, सी फूड, सी फूड में प्रॉन्स, स्नेल, क्रैब्स, श्रिम्प, फिर ऑयल। याद रखना बच्चे, ऐसा नहीं है कि ऑयल हम खाली प्लांट से ही लेते हैं, हमें कई सारे ऑयल है वो अन्य जीव मतलब एनिमल से भी मिलते हैं। तो ऑयल होता है मोस्टली कहाँ से मिलता है? मच्छी से। कौन, किससे? मच्छी से हम निकालते हैं, कॉड लीवर ऑयल बोलते हैं वो। तो सालमन, ट्यूना, सार्डिनेस एंड हनी, तो कलेक्ट बाय हनी बीज एंड स्टोर्ड इन बी हाइव्स। ये जो हनी है वो हम खुराक में भी यूज करते हैं और मेडिसिन में भी इसका उपयोग होता है। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उसका ग्रुप करेंगे। और उसका बेसिस कौन सा रहेगा? तो उसकी हैबिट कैसी है, फूड हैबिट कैसी है, उसके हिसाब से उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण पद्धति कैसी है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्या करेंगे? वर्गीकरण बोलते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। मैंने पहले ही बोल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज इन टू ऑटोट्रॉप एंड हिटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब स्वयं पोषी, जो अपना खुराक खुद बनाती है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। एंड हिटरोट्रॉप मतलब जो अपना खुराक खुद नहीं बनाते हैं, जो अन्य जीव पर क्या रखते हैं? आधार रखते हैं, उसको हम बोलते हैं हिटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्यों हम प्रोड्यूसर बोलते हैं? क्योंकि वो अपना खुराक खुद बनाती है, इसीलिए वो जाते हैं प्रोड्यूसर। और वो हमने देखा है वनस्पति में। वनस्पति हम सबको पता है कि लाइट, CO2, क्लोरोफिल, वाटर, इन सब का उपयोग करके अपना खुराक खुद बनाती है। उसके सामने एनिमल, वो डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे और अदर एनिमल एंड इट्स पार्ट। तो क्लियर, तो वनस्पति सॉरी प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? हिटरोट्रॉप बोलेंगे। क्लियर, तो फिर से एक बार देखते हैं। ऑटोट्रॉप द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देन ओवन फूड। ऑल ग्रीन प्लांट्स,
प्रोड्यूस देयर ओवन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, रंजक द्रव्य और सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्लियर, और अपना खुराक खुद बनाते हैं। इसी के लिए वनस्पति को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना खुराक खुद बनाते हैं, क्लियर। बट हम देखेंगे आगे जाके कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो कैसे होते हैं, इंसेक्टिवेरस, इंसेक्टिवेरस मतलब कीटाहारी, जो कीटक को क्या करते हैं, प्लांट्स भी कीटक को खाने वाले हैं। ऐसे प्लांट्स के नाम कौन से है, पीचर प्लांट, कौन सा, पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉट, पीचर प्लांट, विनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉट्स, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स कीटक नहीं खाते, कई प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कीटक जो ये कीट्स होते हैं, कीटक होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसको क्या होते हैं, करते अपने अंदर फंसा देते हैं और फिर उसका यूज करते हैं, क्लियर। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और ये मैंने बोला था, ये देखो विनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वॉट्स, इसने देखो ये जो पूरा ऐसे था, फिर कीटक इंसेक्ट आया, कीटक आया, इसको ट्रैप कर दिया, और हेटरोट्रोप द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल और प्लांट इज नोन एज अ हेटरोट्रोप, और उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, उपभोगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपभोगी, जो प्रोड्यूस करेगा उसको बोले उत्पादक, और जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेगा उसको बोलते हैं कंज्यूमर या उपभोगी, क्लियर। जो हेटरोट्रोप है वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे हर्बीवोरस, कौन से पहले है, हर्बीवोरस ईट ओनली प्लांट और प्लांट्स पार्ट्स, जो वनस्पति का उपयोग करते हैं या वनस्पति के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, या तो बोलेंगे तृणाहारी, क्लियर। दूसरे है कार्निवोरस, कौन से, कार्निवोरस ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मतलब दूसरे जो जीव है उसका मांस खाएंगे, उसको हम बोलते हैं मांसाहारी, हिंदी में बोलेंगे मांसाहारी। और ओमनिवोरस जो थर्ड टाइप के होते हैं, जो दोनों काम करते हैं, मतलब वो तृणाहारी भी है और वो मांसाहारी भी है, या तो हम बोलेंगे वो हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, या हम बोल सकते हैं कि वो प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैशिश ऑफ एनिमल है उसको भी खाते हैं, क्लियर। तो ओमनिवोरस तो वो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, मतलब ये दोनों का कंबाइन है ओमनिवोरस। और चौथे होते हैं स्कैवेंजर एंड डी कंपोजर्स, क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स एंड डी कंपोजर। जो एक बात याद रखना, कोई भी एनिमल है, हमने देखा है कुत्ता होता है या कोई भी जीव है, कौआ या कोई भी, वो मर के गिर जाए जमीन पर, तो हम यदि कोई उठाने ना आए तो एक दो दिन के बाद देखोगे उसका जो बॉडी का साइज होता है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे घटने लगता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, तो डीकंपोजर द्वारा, डीकंपोजिशन होता है और उसको करते हैं कौन, डीकंपोजर्स, विघटन बोलते हैं, कौन सी प्रक्रिया, विघटन की प्रक्रिया। तो ये सारे एनिमल्स है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर एंड डीकंपोजर्स। स्पेशलाइजेशन ऑफ टीथ, मतलब देखिए आप एनिमल से दूसरे एनिमल को देखेंगे या बहुत सारे एनिमल को देखेंगे और उसके टीथ आप देखेंगे, तो हर किसी एनिमल के टीथ में स्पेशलाइजेशन या वैरायटी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने आगे देखा कि कई सारे एनिमल है वो हर्बीवोरस है, कहीं कैसे है ओमनिवोरस है, कहीं कैसे है कार्निवोरस है, क्लियर। तो आप जितने भी एनिमल देखोगे उसके यदि आप दांत देखने का प्रयत्न करोगे तो हर किसी एनिमल के दांत में आपको क्या देखने को, वैरायटी मिलेगी। क्यों, ह्यूमन, ह्यूमन में भी, ह्यूमन में तो जैसे नॉर्मल है वो दोनों खा सक दोनों चीज खाते हैं, मतलब वो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, या हम एनिमल का भी उपयोग करते हैं, तो जो ह्यूमन टीथ होते हैं उसमें भी कैसे कैसे, छेदक दांत है, राक्षी दांत है,
अग्रदाढ़ है और दाद है, दाढ़ है मतलब इंसाइजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे टीथ का बंधारण है। फिर ये जो मांसाहारी होते हैं उसको क्या होता है, ज़्यादातर फाड़ना होता है। क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है, एनिमल, दूसरा एनिमल है उसको पकड़ा और क्या बोलते हैं उसको फाड़ देते हैं, तो उसमें जो कनाइन है वो कैसे होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। कनाइन टीथ कैसे होता है, वेल डेवलप होता है, क्लियर। सेम ये जो पक्षी है उसमें भी ऐसा है। कई पक्षी होते हैं उसमें कैसे टीथ होते हैं, उसको क्या है, जैसे हम चने डालते हैं या फिर क्या बोलते हैं जार भी डालते हैं, जुआर बोलते हैं, वो कबूतर को डालते हैं, क्लियर। तो उसके जो टीथ होते हैं उसको क्या करना है, ओनली फॉर, उसको कोई मांस नहीं खाना है, उसको नॉर्मली धान के दाने खाने हैं। तो उसके लिए उसकी जो चांच होती है उसमें दांत नहीं दिखने को मिलेंगे, चोंच दिखने को मिलेगी, चोंच दिखने को मिलेगी, तो चोंच में भी आपको वैरायटी दिखने को मिलेगी। कहीं जो पक्षी आए उसकी चोंच कैसी होती है, पियर्सिंग टाइप होती है, किसी की कैसी होती है, सकिंग टाइप मतलब चूसने वाली होती है, क्लियर। किसी की कैसी होती है, काटने वाली होती है। तो ये आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा टीथ में। हर्बीवोरस से उसके दांत अलग है और जो कार्निवोरस से उसके भी दांत आपको दिखने को अलग मिलेंगे। और आखिरी में है फूड चेन। फूड चेन हमने देखा कि वनस्पति क्या है, प्रोड्यूसर है। वनस्पति क्या है, प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूस कहां से करती है, तो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी उपयोग करके वनस्पति क्या करती है, अपना खुराक खुद बनाती है। ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेम चालू रहेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर को क्या खाएंगे, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। अब जब ये मर जाएंगे क्वार्टरनरी कंज्यूमर तो उसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, और ये विघटन होके क्या, विघटन कौन करता है, डिकम्पोजर्स। तो ये है फूड चेन के बारे में। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था फूड वेर इट कम फ्रॉम, ये हमने पूरा किया है, क्लियर। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर या हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर। यदि कोई भी क्वेरी है तो आप स्किल डेल के प्लेटफॉर्म पे आइए और अपना क्वेश्चन वहां रख सकते हैं, तो हम जितना जल्दी हो सके आपके जो सवाल है उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू क्लास।